मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अचानक दो बोगियों के बीच में कूदकर युवक ने दिया जान। लाइव मौत सीसीटीवी कैमरे में कैद, ट्रेन के दो कोच के बीच कूदा युवक। जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना, जांच में जुटी रेल पुलिस। अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस की दो बोगियों के बीच अचानक एक युवक कूद गया। आरपीएफ के जवानों ने शोर मचाया और दौड़े भी, लेकिन तब तक वह कूद गया। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अचानक दो बोगियों के बीच में कूदकर युवक ने दिया है जान। वीडियो स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की घटना, जांच में जुटी रेल पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर शुक्रवार को शाम अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस की दो बोगियों के बीच अचानक ही एक युवक कूद गया, जिसके बाद उक्त ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त मौजूद यात्री में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घटना शाम करीब 4:15 बजे की है, अब तक नहीं हुई है युवक की पहचान। वही घटना के बाद युवक को ट्रेन की तरफ दौड़ता देख वाणिज्य विभाग के कर्मियों और आरपीएफ के जवानों ने शोर मचाया, उसकी ओर दौड़े भी, लेकिन तब तक वह कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले प्रयास में वह पहिए के नीचे नहीं आया था और तब इसके बाद उसने अपना सिर पटरी पर रख दिया और कट गया। घटना के बाद से ट्रेन भी जंक्शन पर करीब 23 मिनट तक रुकी रही। ट्रेन के जाने के बाद जीआरपी ने शव का पंचनामा किया है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कवायद शुरू की। अब तक युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। पूरी घटना प्लेटफॉर्म 1 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला डीएसपी रेल निधि कुमारी ने बताया कि एक व्यक्ति ट्रेन के दो कोच के बीच में कूद गया और उसकी मौत मौके पर ही हो गई है, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, मामले की जांच की जा रही है। अब तक किसी ने इस संबंध में कोई भी परिजन सामने नहीं आए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, मामले की जांच भी की जा रही है। दिनांक 26/7/24 को शाम 4:30 बजे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक व्यक्ति के ट्रेन के आगे कूदकर जान लेने की घटना प्रकाश में आई है। इस संबंध में रेल थानाध्यक्ष मुजफ्फरपुर द्वारा आगे की कार्रवाई करते हुए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और ईडी कांड दर्ज कर लिया गया है। जहाँ तक बात है यात्री के जो व्यक्ति है उसके पहचान की, तो उसके पास से किसी भी कोई भी कागजात नहीं मिला है, ना मोबाइल मिला है, तो अभी तक नाम पता का सत्यापन नहीं हो पाया है। इस संबंध में खोजबीन हमारे स्तर से जाए। ट्रेन तो काफ़ी तीव्र गति से चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के आगे जैसा कि दिख रहा है कि वो कूद ही रहा है, क्योंकि ट्रेन इतना स्लो तो नहीं था कि चढ़ने के लायक था वो ट्रेन। हाँ, सभी बिंदुओं पर हमारे स्तर से जांच नहीं, उसके पास से कुछ भी मोबाइल भी नहीं है, कुछ पहचान नहीं होता है अभी तक, तो कुछ सूचना नहीं है।